हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 23 जून को देखिए सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल रजिस्टर मैरिज करके हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। और ना ही दोनों ने देखे हिंदू धर्म ना ही मुस्लिम धर्म से शादी की, बल्कि 23 जून को रजिस्टर मैरिज कर अपने करीबियों को एक ग्रैंड रिसेप्शन दिया। सोनाक्षी और जहीर की शादी को लेकर काफी विवाद भी हुआ। खबर तो ये भी थी कि इस शादी को लेकर सिन्हा परिवार में बवाल मचा हुआ है। शादी को लेकर कई तरह के दावे भी किए जा रहे थे। कभी सुनने में ये आया कि भाई इस शादी से सोनाक्षी के भाई लव ज्यादा खुश नहीं है, तो कभी ये भी सुनने में आया कि सोनाक्षी शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेंगी। लेकिन ये सभी दावे अफवाह ही निकले। जी हाँ, शादी में सिन्हा परिवार शामिल भी हुआ और सोनाक्षी के ससुर इकबाल रतानसी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सोनाक्षी अपना धर्म परिवर्तित नहीं करेगी। अब देखिए, सोनाक्षी को मुस्लिम लड़के से शादी करने की वजह से काफी ट्रोल भी किया गया था। इसी शादी को लव जिहाद से जोड़कर भी देखा गया। और कुछ दिनों पहले तो देखिए बिहार में भी इस शादी को लेकर काफी बवाल मचा। बिहार के लोगों का गुस्सा सोनाक्षी सिन्हा और उनके पिता शत्रुघ्न पर जमकर फूटा था। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के रहने वाले बिहारी बाबू हैं और ऐसे में बिहार के लोग इस शादी का पुरजोर विरोध भी कर रहे थे। एक हिंदू संगठन ने तो देखे सोनाक्षी को बिहार में ना घुसने की भी धमकी दे डाली थी। जहां एक तरफ देखे सोनाक्षी को इस शादी की वजह से काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, तो वहीं कुछ एक्ट्रेसेस का सपोर्ट भी उन्हें मिला। जी हां, अब सोनाक्षी और जहीर की शादी पर बॉलीवुड में शक्तिमान बनकर लोगों को एंटरटेन कर चुके मुकेश खन्ना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मुकेश खन्ना देखे अब सोनाक्षी के सपोर्ट में उतर आए हैं। हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले मुकेश खन्ना ने इस शादी का विरोध करने वाले लोगों को जवाब दिया है। एक लीडिंग वेबसाइट से बकायदा बातचीत में मुकेश खन्ना ने ये कहा, सोनाक्षी और जहीर की शादी को हिंदू मुस्लिम एंगल में मत डालो। सोनाक्षी ने जो किया है वो उन्होंने ऐसे अचानक शादी नहीं की है। दोनों 6 से 7 साल रहे और तब दोनों ने शादी की है। लोग इसे लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। लव जिहाद तब होता है जब किसी बच्चे की शादी जबरदस्ती करवाई जाती है। मुकेश खन्ना देखे यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा, क्या हिंदू मुस्लिम शादी नहीं कर सकते क्या? हमारे टाइम पर बहुत होने की है, सुखी भी है वो। वैसे भी इनकी शादी का मसला इनके परिवार का है, वो इनके घर का मामला है। पहले शत्रुघ्न ने कहा भी था कि मुझे पता नहीं, फिर एंड में बोले कि मैं अटेंड करने वाला हूँ, जो लोग बातें बना रहे हैं उन्हें कहूंगा खामोश। उन्होंने सही बोला, उनके घर का मामला है यार। तो देखा आपने, मुकेश खन्ना ने देखिए इस शादी का विरोध करने वालों को सीधा सीधा ये कह दिया है कि आप हिंदू मुस्लिम एंगल से इसे मत जोड़िए और ना ही इसे लव जिहाद से जोड़िए। तो आपको बता दें कि सोनाक्षी और जहीर ने 7 साल तक एक दूसरे को डेट किया और फिर जाके दोनों ने शादी करने का फैसला किया और रजिस्टर मैरिज किया। हाल ही में देखिए सोनाक्षी अपने हनीमून पर गई है और उनके हनीमून से जुड़ी कुछ फोटोज भी इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रखी है। सोनाक्षी काफी दिनों से अपनी शादी को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है। उनके ग्रैंड रिसेप्शन में बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी शिरकत किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि विद्या बालन से लेकर रेखा समेत कई स्टार्स वहां पहुंचे हुए थे। वैसे देखिए, जिस तरह से मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी और जहीर इकबाल की शादी पर अपना रिएक्शन दिया है, क्या आपको वो शॉकिंग लगता है? कमेंट करके बताएगा जरूर।